एच में हूँ आपका दिस साइकिल गाय। मैं आज आपको बताने वाला हूँ साइकिल जो पहिया होता है उसमें कैसे हम लोग बल और बेरिंग कैसे लगाते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। देखिए हमारे पास एक तो साइकिल है, उसका व्हील हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पुराना वाला व्हील है, इसमें हम जो है इससे पहले जो पुराना जो उसे टूटा हुआ था हम उसको निकाल दिए हैं, साफ कर दिए हैं। ये हम आपको दिखाएंगे इसमें लगता कैसे है, हम लोग कैसे लगाते हैं इसको, कब कैसे बिठाते हैं और उसके बाद बेरिंग कैसे लगाएंगे, ये सब हमारे साथ हैं कलिया, वो जो है हमको आपको बताएंगे, हम उनको बताएंगे कैसे लगाना है। देखिए ये हमको लगा बताते हैं। देखिए हम आपको एक कप जो है हम पहले दे चुके हैं इसमें, देखिए हम आपको दिखाएंगे ये कप कौन सा है। देखिए हम आपको ये जो कप दिखा रहे हैं ये कप, देखिए हम आपको सही तरीके से दिखा रहे हैं इसको, ये भोगल कंपनी का लिखा हुआ है, देखिए BHOGL भोगल कंपनी का। ये प्लेन कप है, प्लेन मतलब कप दो तरीके का आता है, एक कलर वाला आता है, कलर का मतलब उसमें घाटी करके रहता है, और एक तो प्लेन आता है। इसमें हम प्लेन लगा रहे हैं, देखिए ये जो प्लेन को हम लगा के उसको, देखिए ये पुराना कप है, पुराना कप इसीलिए लिए हुए हैं उसको, उसके जो साइज़ के हिसाब से हम उसको ठोकना पड़ता है, जो अगर हम वैसे ही ठोकेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इस वजह से देखिए हम इसको इसमें हमार से हम इसको मार रहे हैं। इसको मारने के बाद हम आपको दिखाएंगे ये कैसे बैठता है, उसका तरीका क्या है। देखिए हम आपको ठीक से दिखाएंगे एक बार, और एक बार मार हमको लगा नहीं है। ये देखिए जो जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, इसका मतलब ये है जो हम लोग का दिया हुआ है हॉप में जो दिया हुआ है, एक ठो मतलब उसका राउंड करके एक ठो घाटी रहता है, तो उस घाटी में कप का जो कलर रहता है, जो मतलब पहले वाला हिस्सा जो है उसको वहीं पे राउंड करके हमको लेना होगा। देखिए हम जो पीछे वाला जो कप था मतलब फ्री व्हील तरफ का जो था उसको बिठा दिए हैं, अभी हम ई तरफ का मतलब दूसरी तरफ का इसको बिठाने वाले हैं। देखिए हम उसको बिठा दिए हैं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए कलर जो हम कप आपको दिखा रहे थे उसमें हॉप में देखिए एक ठो राउंड है, तो उसी राउंड के जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक से देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं तो कप का और वो जो राउंड देहा कंपनी का वो सेम होना चाहिए। देखिए चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम इस तरफ का हम आपको दिखा दें, फिर हम आपको फ्री व्हील तरफ का दिखाएंगे। देखिए ये देखिए इस तरफ का भी देखिए सही है। तो आपको अगर बैठाना है तो कंपनी का जो दिया हुआ है उसके अंदर एक ठो घाटी दिया हुआ है, तो उसी से जाके राउंड में उस मतलब एकदम सही होना है, सेम होना है, तो उसी हिसाब से हमको इसको ठोकना है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका अगला जो है काम क्या है। इसके बाद एक ठो लगता है उसका डस्ट कैप, मतलब उसके अंदर कोई डस्ट ना जाए इसलिए कैप दिया जाता है, हम उसको वो कैप हम उसको लगाने वाले हैं। डस्ट कैप जो है वो दो तरीके का आता है, एक मॉडल हम लोग का जो रहता है हीरो कंपनी का एक तो रहता है उसको हीरो मॉडल हम लोग बोलते हैं, और दूसरा मॉडल जो रहता है वो फिलिप्स मॉडल रहता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं है, कलर मतलब उसका राउंड नहीं है तो वो प्लेन करके रहता है, उसको हम लोग फिलिप्स टाइप बोलते हैं। इसमें हम लोग फिलिप्स टाइप का लगाना वाले हैं, हीरो का ये जो हम दिखा रहे हैं हम आपको अभी इसमें लगा रहे हैं, देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये हम लोग का जो है फिलिप्स टाइप का है, और दूसरा टाइप जो रहता है वो हीरो टाइप का रहता है, तो हम लोग इसमें फिलिप्स टाइप का लगाएंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दूसरा वाला जो हम आपको दिखा रहे थे हीरो टाइप का जो बोल रहे थे, देखिए इसका राउंड देखिए और इसका शेप देखिए, ये जो है ये बड़ा रहता है, तो इस वजह से हम इसको इसमें नहीं लगाएंगे। देखिए
देखिए ये जो कंपनी का जो आता है पहले वाला मॉडल जो रहता है, देखिए ये थोड़ा बड़ा रहता है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें वो आएगा नहीं, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो पुराना कप लेंगे और उसको ऊपर इसको बिठा के उसके बाद इसको अंदर से थोड़ा मारेंगे, तो तब जाके ये जो बाहर वाला जो राउंड रहेगा वो थोड़ा अंदर हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बिठा के हमको बताएंगे कि इसका जो है डस्ट कैप हम लोग कैसे बिठाते हैं, उसका तरीका क्या है। देखिए हम लोग जो इसमें मार रहे हैं इसको हम लोग वैसे भी हमार से मार सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमार से मारने से वो बेंड हो जाएगा, तो इस वजह से हम पुराना कप लेके इसको मार रहे हैं। ग्रीस कैप जो है ये हम लोग स्टैंड तरफ का जो रहेगा वो हो गया। इसके बाद जो है हम दूसरी तरफ फ्री व्हील तरफ जो रहता है, देखिए ये फ्री व्हील तरफ हम इसको लगाने वाले हैं। ये जो हम देखिए ये भी बड़ा है, तो हम उसको जो पहले जो इसे बना रहे थे कप को लेके उसके ऊपर इसको रख के हम इसको हमारा छोटा वाला जो हमार रहता है उसमें इसको मारेंगे, तभी जाके इसका बाहर का राउंड जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको लगाएंगे उसमें। ग्रीस कैप जो है हम लोग का ये लग जाने के बाद इसका दूसरा काम ये रहेगा हम लोग को, इसके बाद इसको जो है हम लोग ग्रीस करेंगे, ग्रीस करके उसके बाद उसको बॉल डालेंगे और एक्सेल उसमें लगाएंगे। देखिए हम ये जो है लगा रहे हैं, इसमें ग्रीस लगा रहे हैं, फ्री व्हील का तरफ का जो है हम उसमें ग्रीस लगा दिए, अभी जो है मतलब स्टैंड के तरफ से जो है दूसरी तरफ हम इसको ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस लगने के बाद ये आपका ग्रीस हम लगा लिए हैं, देखिए ये वाइट कलर का ग्रीस कोनर कंपनी का आता है, हम इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम बल डालेंगे, देखिए ये जो बल डालना है इसमें साइज बड़ा है, ये साइज कौन सा है हम आपको ये बताने वाले हैं। साइकिल में चार साइज हम लोग का लगता है, जैसे एक रह जाएगा 1/4, 1/4 हम लोग बोलते हैं, और एक तो छोटा साइज रहता है उसको 3/16 बोलते हैं, 3/16 करके बोलते हैं, और उसे छोटा जो रहेगा वो हम लोग का पेडल में लगता है वो उसको बोलते हैं
5/32, 5/32 बोलते हैं, और उससे छोटा जो रहेगा वो हैंडल में लगता है, 1/8। तो देखिए अभी हम इसमें लगा रहे हैं, देखिए इसमें आपका 9 बल्ब लगता है, जैसे हम लोग का 9 बल्ब बोलते हैं, एक एक करके हम लोग 9 बल्ब लगाएंगे, एक तरफ आपका 9 रहेगा और दूसरी तरफ भी 9 रहेगा, टोटल 18 बल्ब लगता है इसमें, 18 बल्ब लगता है। देखिए गिन करके हम इसमें डाल लें। ये जो बल्ब लग जाने के बाद इसमें हम जो दिखा रहे थे, इससे पहले हम दिखा रहे थे आपको लंग एक्सेल दिखाए थे, ये एक्सेल जो है ये 7.5 इंच का एक्सेल लेता है, ताकि ये दोनों तरफ साइकिल के दोनों तरफ, जैसे स्टैंड तरफ और फ्री व्हील के तरफ, दोनों तरफ ज़्यादा एक्सेल बढ़े और इसको टाइट करने में हमको आसानी रहे, तो इसी वजह से हम लोग 7.5 इंच का जो रहता है एक्सेल हम लोग लगा रहे हैं। ये जो एक्सेल हम लगाए हैं ये महाजन कंपनी का है, थोड़ा हैवी रहता है, इस कंपनी का सामान जो है ये हैवी रहता है, तो इस वजह से हम महाजन कंपनी का सामान लिए हैं। ये जो अभी जो इसको हम घुमा रहे हैं, इसको बेरिंग बोलते हैं, हब बेरिंग ही इसको बोलते हैं, हम लोग जो ग्रीस कर लिए, इसमें बॉल डाल दिए हैं, इसके बाद देखिए मिस्त्री जो है इसमें बेरिंग डाल के इसको टाइट कर रहे हैं, ताकि बॉल जो है ये बाहर ना आ सके, इसलिए हम लोग इसको बेरिंग दे देते हैं। देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये टाइट हो गया, दोनों तरफ का टाइट होने के बाद इसको एक तो जाम नट रहता है, जाम नट का मतलब ये होता है कि बेरिंग जो है वो बाहर ना निकले कभी, इसको जो है टाइट ना हो, तो इस वजह से इसको जाम नट दे, देखिए ये पतला वाला नट जो है इसको हम लोग जाम नट बोलते हैं, हम लोग जाम नट दे के इसको टाइट करेंगे, उसके बाद जो है हम नट लगा के हम आपको दिखाएँगे। देखिए ये नट हम लोग लगा दिए हैं, इन अगर लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे ये जो हम लोग जो बल्ब बेरिंग किए हैं ये सही है, ये हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कैसे हुआ हम लोग कैसे पता चलेगा। देखिए ये करने के बाद हम इसको घुमा दे रहे हैं, तो घुमाने के बाद देखिए ये जो है आगे जाके रुकता नहीं है, घुमाने के बाद ये जो है सही से चल रहा है, तो हम लोग को ये लगेगा ये बल्ब बेरिंग जो है ठीक है। साइकिल की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।